इसलिए तो कृष्ण कहते हैं, यदि राधा प्रसन्न है तो मैं गोवर्धन भी उठा सकता हूं, लेकिन राधा प्रसन्न नहीं है तो मैं इतना सा कंकर भी नहीं उठा सकता। मैं जो कर सकता हूं, मैं राधा की प्रसन्नता के बल पर कर सकता हूं। वो राधा आत्मशक्ति है, आत्मीय ऊर्जा है, वास्तव में आत्मा ही हमारी गुरु है। हर गुरु यही करते हैं, आपको आत्मा गुरु तक ले जाएंगे, फिर खुद अट जाएंगे कि हमने तुमको तुम्हारे असली गुरु तक पहुंचा दिया। आत्मा गुरु तक पहुंचा दे गुरु भी, बाद में गुरु हट जाते हैं कि अब तुम्हारा गुरु तुम्हें मिल गया है, हम नहीं है। आत्मा से बढ़कर कोई गुरु नहीं होता, मन से बढ़कर कोई चेला नहीं होता। चाहे लाख चेले बनाओ, वो भी उलझेंगे और गुरु भी उलझेगा उसमें। लेकिन जिस दिन गुरु का अपना मन अपना चेला बन जाएगा, उसके बाद चेला भी धन्य हो जाएगा और ऐसे गुरु को मानने वाले शिष्य भी धन्य हो जाएंगे। जिस गुरु को असली चेला मिल जाए, और असली चेला हमारा खुद का मन है, सबसे निकट चेला कोई है तो मन ही निकट का चेला है। जो अपने मन रूपी शिष्य का कल्याण नहीं कर सकते, अपने मन रूपी शिष्य को जगा नहीं सकते, उस गुरु से दुनिया में कोई नहीं जागेगा। ये भी नहीं सकता, उसके ज्ञान से कोई नहीं जागेगा। जिस गुरु ने अपने मन रूपी चेले को नहीं चेताया, तो फिर दुनिया में कोई उससे चेतने वाला नहीं है। भगवान पिता रात्रि सर दो विक्षरन्तु नमश्चक्रे व्योममाया संसार के जीवन में, जीवों के जीवन में अंधेरा है। भगवान कृष्ण ने पूर्णिमा की रात्रि में बांसुरी बजाई। बांसुरी है महापुरुषों की अनुभव वाणी, बांसुरी है। और उससे गोपियां उठ उठ करके दौड़ी, और जहां बांसुरी की आवाज आ रही है उस दिशा में। यहाँ गोपियां शब्द महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी नहीं है, यहाँ गोपी शब्द जिज्ञासुओं के लिए है। जो जिज्ञासु आत्मा जिसको लगता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मैं क्या करूं जागने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने कल्याण के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं। ऐसे जीवों को ईश्वर किसी न किसी महापुरुष के माध्यम से जगा देते हैं। और ऐसी जीवात्मा गोपी है, संसार के रस में जिसको आनंद नहीं आता, और संसार के रस से उठ करके अब कोई अद्भुत रस पीने की जिनकी भी इच्छा है, वो सब गोपी है। जिनकी इंद्रिया वो, यानी जिनकी इंद्रिया अब संसार की एक भी चीज नहीं मांग रही है, वो कहती है कि ये तो सब चख लिया, दुनिया को देख लिया, ये सब मालूम हो गया, लेकिन इससे अद्भुत क्या है, इससे ऊपर क्या है, जिसके लिए हम आई वो क्या है। और ऐसी जीवात्मा को जब कहीं गुरुवाणी मिल जाती है तो बहुत उन्नति हो जाती है उनकी, क्योंकि वो गोपी है। बस उसको पीना, निरंतर पीना है, उनको तृप्ति नहीं होती,
अमृत को पीने से, अध्यात्म को पीने से, मंदिर जाए तो आंखों से पीने लगेंगे भगवान के रूप को, कथा में जाए तो कान से पीने लगेंगे भगवान को, कई पवित्र स्थानों में गए तो सेवा में लग जाएंगे तो हाथ से पैर से पीने लगेंगे वहां की ऊर्जा को, कि अब लौकिक नहीं चाहिए, अब अलौकिक देखना है, अलौकिक सुनना है, अलौकिक पीना है, ये सब गोपी है। केवल संसार की वस्तु से जिनकी तृप्ति नहीं हो रही, इससे होगी भी नहीं, ये बात भी इनको समझ में आ गई है, इससे कुछ अलग मिले, इससे कुछ अद्भुत मिले, ये सब गोपी। ईश्वर की प्राप्ति न पुरुष को होती है न स्त्री को होती है, लेकिन ईश्वरीय रस पीने के लिए जो जिनके अंदर तीव्र प्यास उत्पन्न हुई वो सब गोपी है। सारी गोपियां वहां पर, सारे व्रजवासी वहां पर पहुंच गए तो भगवान कृष्ण ने आंखें खोली और व्यंग करते हुए कहा, स्वागतम वो बड़ा परिवार है, 70-72 लोग, छोटे छोटे बच्चे, इसको पढ़ाना, इसकी विवाह करना, इसकी सगाई करना, हम कहाँ, आप करो भजन, हम कोई आपके जैसे नहीं है कि भजन करे, आप करो। लेकिन उसी लोगों को जब संसार ने उपेक्षा की, उसी घर में जब संतान मुंह पर जवाब देने लगे, उसी संसार में संसार ने जब अपना असली चेहरा दिखाया,
इसी संसार में जब उनको कष्ट हुआ, माया ने जब मारा, माया का मार खाने के बाद जिस संसार के लिए भगवान को भुलाया, वही संसार आपको कहता है आप चुप करो, दादाजी आप चुपचाप बैठो, आपको इसमें समझ नहीं पड़ती, आप अपना काम करो, जिसको आपने पाला पोसा। जब वहीं से यही सारे डायलॉग निकलेंगे, और उस समय माया का मार खा करके जब आप मंदिर जाते हो तो भगवान कहते हैं स्वागतम आपकी प्रतीक्षा करता था, 80 साल के बाद आपने हमको दर्शन दिए। घर से मंदिर का रास्ता उतना दूर नहीं होता, लेकिन जाते जाते मैं 80 साल लग जाते, पहुंचते मैं 80 साल लग जाते। 80 साल तक चलते रहते तो 10 बार 20 बार पूरे भारत की परिक्रमा हो सकती। घर से मंदिर उतना दूर नहीं है, लेकिन पहुंचने में 80 साल लगते हैं। तो भगवान कहते बताए, मनुष्य जन्म लेता है उस समय उसमें वासना नहीं होती। जब आप युवान होते हैं तब वासना जन्म लेती है, और जब आप वृद्ध होते हैं तब वासना युवान होती है। क्योंकि वासना का जन्म ही हमारे शरीर की युवा अवस्था में हुआ, और जब हमारा शरीर वृद्ध होगा तब वो युवान होगी। भजन न करने के बहुत सारे बहाने ढूंढोगे, इस कारण से नहीं होगा, इस कारण से नहीं होगा, उस कारण से नहीं होगा। अभी बच्चे छोटे हैं, अभी बच्चे के बच्चे छोटे हैं, आपके शरीर की युवावस्था में पैदा हुई वासना वृद्धावस्था में वो युवान हो गए जो करने नहीं देंगे। भगवान की कृपा से माया मारती है, शिव पर भगवान की कृपा से संसार विमुख हो जाता है, ये भी कृपा है, ये तो कभी नहीं जाते संसार मार खाने के बाद। माया ने जमकर पीटा जब, तो उसके बाद हम भगवान की शरण में जाएंगे। घर में भी उपेक्षा होती है, अटपटे से घर में उपेक्षा कैसे होती है, घर में सब कहने लगे आप घर में मत बैठे रहो, थोड़े बाहर भी जाया करो, आप तो ये कोना छोड़ते नहीं है, आप ये कुर्सी छोड़ते नहीं है, थोड़ा वॉकिंग भी करना चाहिए, 2 घंटे चलना ही चाहिए, रामदेव बाबा बोलते हैं, उनकी तो मानो हमारी नहीं मानो, तो ऐसे करके भी वो करेंगे। ये तरीका हो उपेक्षा का, हरिद्वार जाओ, वृंदावन जाओ, हम टिकट दे दे आपको, 15 दिन जाना चाहिए कभी, ये तरीका है उपेक्षा। जब भगवान की शरण में गए, जब माया ने जमकर पिटाई की, संसार क्या है कैसा है सब चित्र आ गया सामने, तब दौड़कर भगवान की ओर गए, अब यही एक उपाय है। तो भगवान ने व्यंग किया, पधारी, मैं आपके लिए क्या करूं, आपकी सेवा के तैयार हूं, बताइए। समझ गए सारे ब्रजवासी। भगवान ने पूछा कि आप लोग क्यों आए, बोले दर्शन के लिए, संसार को बहुत देख लिया, दर्शन के लिए आए। तो भगवान ने कहा हो गए, जाओ, हो गए दर्शन, हो गए ना, जाओ।
ब्रजवासियों ने पूछा कि कहाँ जाए, तो भगवान ने कहा कि तुम हमारे जैसे थोड़ी हो, तुम्हारा घर है, बच्चे हैं, इतना बड़ा परिवार है, संभालो जाओ, ये तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा धर्म है, जाओ। स्वधर्म से परे होना चाहिए और परम धर्म की ओर जाना चाहिए। बार बार भगवान ने कहा कि जाओ। ब्रजवासियों ने पूछा क्यों जाए, तो भगवान ने कहा देखो घर से बाहर नहीं रहना चाहिए, आप लोग इन्हें घर में सुरक्षित हो, व्यक्ति घर में ही सुरक्षित होता है, बाहर नहीं निकलना चाहिए। ब्रजवासियों ने कहा कि हम घर में ही तो आए ना पहली बार, चार दीवार से बने जो मकान है वो पथिकाश्रम है, घर थोड़ी है, लेकिन असली घर कहाँ है प्रभु, एड्रेस मिलते मिलते 80 साल निकल गया, आपका सानिध्य ही असली घर है, हम पहली बार तो घर में आए। व्यंग पर व्यंग कृष्ण किए जा रहे हैं, पराये के साथ नहीं रहना चाहिए, अपनों के साथ रहो। ब्रजवासियों ने कहा कि लेकिन अपना कौन, पराया कौन, ये हमको आज समझ में आया, हम तो एक एक घर में जो टीम है, कहीं 5 लोग, कहीं 8 लोग, कहीं 7 लोग, ये जो एक एक घर में जो मंडली है, हम तो उसी को अपना समझ रहे थे। अब समझ में आया कि वहां तो हमारा ऋणानु बंध है, जहां हिसाब खत्म हो जाएगा वहां हम चाहकर भी नहीं रह पाएंगे, और जब तक हिसाब पूरा नहीं हुआ हम कितना भी प्रयत्न करें हम निकल नहीं पाएंगे, वो तो ऋण है, इससे कोई अपना पराया नहीं हो जाता। समझ में आ जाया कि अपना कौन है और पराया कौन है, हम घर में ही तो है, पहली बार प्रभु हम घर में आए, जिंदगी के 80-90 साल घर से दूर दूर दूर, और सीमेंट से ईंटों से बने बनी खोलियों को, कोठियों को हमने घर समझ लिया, और हमें ये मानते रहे कि हम यही सुरक्षित हैं, यही घर है और इसी में हम सुरक्षित हैं। लेकिन अब पता चला कि घर कहाँ, तो भगवान ने पूछा पर क्या करोगे, यहाँ रहकर क्या करोगे। ब्रजवासियों ने कहा कि अभी तक हमारे बच्चे खेलते रहे आपके साथ, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ खेलें, और अपना निर्णय स्पष्ट कर दिया ब्रजवासियों ने कि कृष्ण अगर तूने हमको नहीं अपनाया तो हम वापस लौटने वाले नहीं हैं, हम इन पहाड़ियों में, इन जंगलों में हम जिंदगी पूरी कर देंगे, पहाड़ों के बीच में गुजारा करेंगे, बस इसी में हम भटकते रहेंगे, हम वापस नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए, क्योंकि आज हम लौटने के इरादे से नहीं। ये सुनने के बाद भगवान ने ब्रजवासियों को अपनाया, और जब भगवान उनके साथ खेलने लगे, भगवान ने कहा कि देखो मैं 11 वर्ष का हूँ, मैं बालक हूँ, मैं बच्चा हूँ, अगर तुम विद्वान रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, अगर तुम धनवान रहे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, अगर तुम बुद्धिमान बनो मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, अगर मेरे साथ खेलने का आनंद लेना है तो तुम्हें बच्चा बनना पड़ेगा, निर्दोष बनना पड़ेगा, निर्विकार बनना पड़ेगा,
क्योंकि बच्चों को बिल्कुल मजा नहीं आता बड़ों के साथ खेलना। बच्चे को बच्चों के साथ इसलिए आनंद आता है कि वो निर्दोष है। मैं तो 11 साल का हूँ और मेरे साथ खेलना है तो तुम्हें छोटा बनना पड़ेगा। पूरा व्रज मंडल तैयार है, तुम कहो तो हम घुटनों के बल चले, तुम कहो तो हम बैठे बैठे चले, तुम कहो तो हम तोतली भाषा में तुम्हारे साथ बात कर, हम तैयार है, हम बदलने को तैयार है। आमूल परिवर्तन के लिए साधक तैयार होता तब ये बात बनती है। हम अपना पूरा काया कल्प करने को तैयार है, अपना भीतरी कल्प करने को तैयार है। तो भगवान ने अपनाया। रात्रि में जब भगवान खेल रहे थे व्रजवासियों के साथ, गोपियों के साथ, और ऐसे में भगवान ने विचार किया कि अब दुनिया को ये बताना जरूरी है कि जिस परमात्मा का अनुभव ब्रह्मादि देवताओं को भी बड़ी मुश्किल से होता है, ऐसे परमात्मा का सानिध्य 11 वर्ष तक भगवान बच्चा बन करके घर घर में एक कटोरी छाछ के लिए भी नाचने को तैयार हो जाए। इतना मैंने इन लोगों को अपनाया, इसका कारण क्या है? ये जगत को बताना जरूरी है क्योंकि गोपियों ने, ब्रजवासियों ने हमेशा अपने प्रेम को छुपाया है। और वो कहते हैं कि तुम चोर हो, तुम शरारती हो, हमारे घर में मत आओ। ये कहते हैं चोर, लेकिन ब्रजवासी चोर मानते नहीं है कृष्ण को। कहते हैं दुनिया के प्रत्येक प्रेमियों का ये स्वभाव है कि वो अपने प्रेम को छुपाना चाहते हैं। एक कल्पित डर दुनिया के सभी प्रेमियों को होता है, जिससे मेरा प्रेम है यदि वो जाहिर हो गया, दुनिया को मालूम पड़ गया, तो कहीं मेरा प्रेम पात्र है वो मेरे से दूर ना हो जाए, कोई छीन न ले, हम उससे दूर ना हो जाए, वो मेरे से दूर। दुनिया के प्रत्येक प्रेमी को एक एक कल्पित डर होता है कि छूट न जाए, मेरे हाथ से निकल न जाए। दुनिया के प्रत्येक भक्तों को भय होता है कि भगवान से हमारा प्रेम है, हम क्यों बता रहे दुनिया को, क्योंकि बताने से कहीं नजर लग जाए, बताने से जो मेरा प्रेम पात्र है वो कोई छीन ले। और हम उससे दूर ना हो जाए। और इसलिए भक्त कभी दुनिया को ये नहीं बताता कि वो भगवान को कितना मानता है, भगवान के प्रति उनका क्या प्रेम है, कितना समर्पण है, वो उसके लिए कितना कुछ कर सकता है, कितना कुछ लुटा सकता है। वो बात हर प्रेमी गुप्त रखता है। दुनिया को बताने से कोई फायदा नहीं, दुनिया को बताने से तो लोग पागल ही कहेंगे, कोई फायदा नहीं, भगवान को बताने की जरूरत नहीं, वो तो अंतर्यामी है, तो बतावे कहाँ। इसी कारण से प्रेमियों का, प्रभु प्रेमियों का प्रेम जो है, भक्तों का भाव जो है, वो हमेशा पर्दे में रहता है। ना मैं और किसी को देखूं, ना तुमको भी दिखलाऊं, ऐसी जोगन में बन जाऊं कि ना मैं और किसी को देखूं, ना तुमको भी दिखलाऊं। वो बताना नहीं चाहते कभी, लेकिन भगवान खुद कभी कभी ऐसी लीला कर लेते हैं कि भक्त को पता ही नहीं रहता, और वो पागलपन में भी अपने उस प्रेम को दुनिया के सामने प्रकट कर देता है, जाने अनजाने में। और अगर ऐसा नहीं करते परमात्मा, अगर ऐसा नहीं करते
तो जगत को कभी मालूम नहीं पड़ेगा कि साक्षात ईश्वर इनके बीच में जाकर के नाच नाचता है। ये कौन सी खूबी है, कौन सी कमाई है? लोग यही कहेंगे भगवान को गालियां बकते रहो, भगवान हमारे साथ खेलेंगे, क्योंकि गोपियों ने यही किया। बाहर से तो गोपियों के हृदय में मेरे प्रति जो प्रेम गुप्त रूप में पड़ा है, गोपियों के हृदय का मंथन करो, और जब मंथन होगा तो फिर वो प्रेम प्रकट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, गलती से भी बोल देगी। देखिए श्री राम जी से भरत जी का प्रेम था, इतना 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 प्रेम था कि उसको छुपाने के लिए भरत जी ने अधिकांश जीवन ननिहाल में बिताया। लोग कहेंगे देखो सबको राम प्रिय है लेकिन भरत को नहीं, क्योंकि वो तो ननिहाल में पड़ा, राम जी के साथ वो रहना भी नहीं चाहता, दो दिन वो तो बस वही मजा ले रहा है, अब ननिहाल में पड़ा, जबकि भरत जी जितने निकट थे उतना कोई नहीं था। वनवास की घटना भरत जी के हृदय का मंथन करने के लिए ही भगवान ने बना ली, ये तो दुनिया को पता ही नहीं चलता भरत जी क्या। और यहाँ गोपियों के हृदय का मंथन करने के लिए भगवान अदृश्य हो गए, व्याकुल हो गए सारे, पूरा ब्रज मंडल व्याकुल हो गया, एक दूसरे से पूछने लगे कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। जब व्याकुलता कुछ हद तक बढ़ी और तब सबका ध्यान पड़ा पृथ्वी पर, मिट्टी में दो चरण चिन्ह दिखे, चरण चिन्ह दो ही है, चार नहीं है, दो ही है। कोई कहता है कि राधा के हैं, कोई कहता है कि कृष्ण के हैं, क्योंकि राधा और कृष्ण दो तत्व ही नहीं है, गुरु और भगवान दो है ही नहीं। लेकिन जब हमारा ब्रह्मानंद खो जाए, हमारा ज्ञान खो जाए, हमारा वैराग्य खो जाए, हमारी शांति खो जाए, हमारा आनंद खो जाए, तब हमें कोई प्रत्यक्ष आधार पहले लेना पड़ेगा। अब इन लोगों ने तय किया कि या जहां जाए ये देखे वहां चलो, आनंद खो जाए तो हर हाल में जो संत महात्मा आनंद में रहते हैं उनके जीवन चरित्र को समझकर उनके कदम पे चलो, आगे बढ़ जाओ। इसी तरह चलते चलते श्री कृष्ण राधा के रूप में मिल गए, सारे ब्रजवासियों ने घेर लिया श्री राधा को और पूछा कि श्याम कहाँ है। राजा आप बताओ, आपके पास भी नहीं है, श्याम कहाँ है? और तब श्री राधा ने पूरे व्रज मंडल को सदगुरु के रूप में हम सबको बताया, यदि तुम्हारा कृष्ण खो गया, ज्ञान खो गया, आनंद खो गया, परमानंद खो गया, चिंतन खो गया, तो फिर कहाँ ढूंढा? ब्रजवासियों ने कहा कहाँ नहीं ढूंढा ये पूछो, चारों धाम कर लिए, 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन कर लिया, 52 शक्तिपीठों में जाकर दर्शन, कहाँ नहीं ढूंढा हमने, हमने बहुत ढूंढा प्रभु, सदगुरु श्री राधा ने बताया कि एक काम करो, घूमना बंद करो, भटकना बंद करो, तुम जहां हो वहीं रह करके कृष्ण को कृष्ण की भाषा में पुकारो। अब सवाल ये आया कि कृष्ण की भाषा कौन सी है? श्री राधा ने पूछा कि आप किस भाषा में पुकारते हो? तो गुजरात की गोपियां बोलेगी गुजराती में, इंदौर की गोपियां बोलेगी हिंदी में, महाराष्ट्र की गोपियां बोलेगी मराठी में, पंजाब की गोपियां कही पंजाबी में। श्री राधा ने कहा
कृष्ण को कोई भाषा नहीं आती, उसको उसकी भाषा में बुलाओ जो भाषा ही नहीं समझता। और जब आप बोलो तो कैसे आएगा, वो दूर नहीं है, अरे इतना नजदीक है, इतना नजदीक है कि तुम्हारा खुद का शरीर भी उतना नजदीक नहीं है, वो तो इतना नजदीक है। दूर होने के कारण भगवान नहीं देखते, ऐसा नहीं है, नजदीक होने के कारण है। आंखों में लगा काजल आंखों को नहीं दिखता, आंख में जरा सा कचरा हो गया तो दूसरे की आंख की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इतना नजदीक भी हम नहीं देख सकते। भगवान दूर होने के कारण नहीं दिखता, ऐसा नहीं। श्री राधा कहती हैं कि अति निकट होने के कारण नहीं दिखता, आंखों में लगाए काजल की तरह कृष्ण है, वो दूर नहीं है, लेकिन बस तुम्हारी भाषा नहीं समझता। तुम कह रहे हो कि कहां हो कृष्ण, कहां हो, आ जाओ आ जाओ, वो कैसे समझे, भाषा ही नहीं समझ रहा। तो सदगुरु श्री राधा ने दुनिया को यह बताया कि कृष्ण की एक भाषा है और वो है आंसुओं की भाषा, पुकार की भाषा, भाव की भाषा। तो ब्रजवासियों ने कहा कि पहले तो हमें इस भाषा का विद्वान बनना पड़ेगा, आंसुओं की भाषा, पुकार की भाषा। इस भाषा को हम सीखने के लिए कहां जाएं, कौन से स्कूल में, कौन सी कॉलेज में, कौन सी यूनिवर्सिटी में ये भाषा हमको सीखने को मिलेगी। पूरे व्रज मंडल ने राजा रानी के चरणों में प्रार्थना की कि ऐसा करो, वृंदावन में एक यूनिवर्सिटी बना दो। श्री राधा रानी की यूनिवर्सिटी, उसमें एडमिशन लेना ही पड़ेगा। हमको ये भाषा सिखा। और बाद में श्री राधा ने कहा कि आंसुओं की भाषा का पंडित है कृष्ण, उसमें वो पीएचडी है, वो समझेगा। भटकना बंद करो, मंदिर जाना, तीर्थों में जाना ठीक है, लेकिन ये सब दर्शन की प्यास जगाने का उपाय है, लेकिन दर्शन की प्यास तीव्र हो गई तो फिर भटकना बंद करो, जहां हो वहीं से कृष्ण को कृष्ण की भाषा में पुकारो।